एक्ने स्कार्स और एक्ने पिगमेंटेशन के लिए लेज़र थेरेपीज अवेलेबल होती हैं। लेज़र थेरेपीज से एक्ने स्कार्स कम होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ लेज़र्स आर अवेलेबल। हाय, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने एज वेल एज देयर ट्रीटमेंट। आई एम डॉक्टर नवनीत हरोर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट डमा मेरेकल स्किन एंड हेयर क्लिनिक, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, न्यू दिल्ली। सो व्हाट इज एक्ने? एक्ने इज जस्ट फॉलिकुलर प्लगिंग विथ ऑयल एंड डेड सेल्स, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में पिंपल्स बोलते हैं। ये किसी भी एज में हो सकते हैं, यूजुअली टीनेजर्स में ज़्यादा होते हैं, बट आजकल सारी एजेस में देखने को मिलते हैं। इवन एडल्ट ऑनसेट एक्ने आर वेरी वेरी कॉमन नाउडेज। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दिस। ये स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं, ये हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से हो सकते हैं। किसी किसी फीमेल्स में ये PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से भी हो सकते हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बेलेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी हाई कैलोरिक डाइट की वजह से भी एक्ने हो सकते हैं। इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी एक्ने प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। एक्ने की वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि फेस इज़ आर फर्स्ट इम्प्रेशन। कभी कभी बहुत कॉमन है कि हम लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं एक्ने की वजह से, बट ऐसा कुछ है नहीं। एक्ने इज़ ट्रीटेबल। यू कैन गो टू योर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, यू कैन आस्क एनी डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर द कंसल्टेशन, दे विल गाइड यू हाउ टू ट्रीट। क्योंकि एक्ने की वजह से स्कार्स भी आ सकते हैं, पिगमेंटेशन भी आ सकता है। स्कार्स उन लोगों में ज़्यादा आते हैं जो लोग एक्ने को बार बार स्क्रैच करते हैं, इसलिए एक्ने अगर कभी भी आ रहे हैं या पिंपल्स कभी भी आपको दिख रहे हैं अपने फेस पर, तो उसको स्क्रैच नहीं करना है। अगर आप उसको स्क्रैच करेंगे तो उसमें स्कार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उसमें पिगमेंटेशन भी आ सकता है, एक डार्क स्पॉट पड़ जाएगा उस जगह पर आपके। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एक्ने। एक्ने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। पहला ट्रीटमेंट है हम मेडिसिन ट्राई करते हैं, मेडिसिन से ही कंट्रोल हो जाए। दूसरा है केमिकल पील्स। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट केमिकल पील्स, आजकल काफ़ी कॉमन है। मेडिकेटेड पीलिंग सॉल्यूशंस होते हैं जो स्किन पे लगाए जाते हैं और उसको क्लीन कर दिया जाता है क्लिनिक में। सो इट्स अ डॉक्टर ड्रिवन प्रोसीजर। सो केमिकल पील्स के अलावा एक्ने स्कार्स और एक्ने पिगमेंटेशन के लिए लेज़र थेरेपीज अवेलेबल होती हैं। लेज़र थेरेपीज से एक्ने स्कार्स कम होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ लेज़र्स आर अवेलेबल, जैसे कि फ्रैक्शनल CO2 लेज़र होता है, माइक्रोनीलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है। कई बार स्कार ज़्यादा डीप नहीं होते हैं तो हम डर्मा रोलर की हेल्प से भी स्कार्स को कम करते हैं। पिगमेंटेशन के लिए देर आर वेरियस थिंग्स। केमिकल पील्स हेल्प करती हैं पिगमेंटेशन में, साथ में Q-switch लेज़र होता है, वो भी काफ़ी हेल्प करता है पिगमेंटेशन में। होप यू अंडरस्टूड अबाउट द बेसिक्स ऑफ एक्ने एंड इट्स ट्रीटमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स, जस्ट यू कैन पुट योर कमेंट्स बिलो or give us a call. We are just a call away. So subscribe to our channel to know more about acne treatments and their therapies. Stay tuned. Thank you.